Assalamualaikum guys, this is Danish Sumro and welcome back to my channel Store4y.pk. Guys, हम लोगों ने आपके लिए जो है Note 10 अनबॉक्स किया था 5G एंड Note 10. आज जो अनबॉक्स करने जा रहे हैं इसी की एक सीरीज है Note 10S, और ये Note 10S सिमिलर टू Note 10 Pro ही है. लुक उन्होंने बिल्कुल सिमिलर बनाया है, बट कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डिफरेंस है और प्राइस टैग में भी डिफरेंस है. सो गाइज, दिस इज द Note 10S. ये जो हम फोन है इसको जो है आज हम अनबॉक्स करेंगे आपके लिए, Redmi Note 10S. और ये फोन जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं आपको की फीचर्स के. ये अपना 6GB और 128GB में आता है. 38,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ये आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. नीचे नंबर लिखा हुआ है और वेबसाइट भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप देख सकते हैं. सो इसके मेन की फीचर्स बताऊं, 6.4 इंच का डिस्प्ले है इसका, और 5000mAh की बैटरी है विद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है इसमें. गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है. बैक जो है 64MP कैमरा है और फ्रंट 13MP कैमरा है, और क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि नोट 10 प्रो का लुक अगर आपने देखा होगा. ये मैं आपको यहां से भी लुक दिखाऊं, उसी तरह की पिक्चर बाहर बनी हुई है इन्होंने. और अब हम चल रहे हैं इसको अनबॉक्स की तरफ और अंदर से देखते हैं लुक्स, डिजाइन और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हम उसमें डिस्कस करेंगे. अनबॉक्स करने से पहले जो है हम कर रहे हैं इंट्रो. सो गाइस, ये रहा नोट 10S. आपके सामने हम जो अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये आपके जो है ओशन ब्लू कलर है. 6GB रोम, 128GB यहाँ पर लिखा हुआ है. कंपनी सील्ड फोन है जो है ये, और हम इसकी भी अनबॉक्स कर रहे हैं. सो लेट्स अनबॉक्स. ये वारंटी कार्ड है ये आपके सामने, और ये अनबॉक्स हो गया. इसमें डबल रैप होती है, जब भी आप लें तो आप ये चेक कर लिया करें, ये रीपैक नहीं फोन होता. तो ये बॉक्स, और ये ऊपर जो है कुछ की हाइलाइट्स हैं. Redmi Note 10S 64MP जो है अपना क्वाड कैमरा है, और 6.43 इंच AMOLED डॉट डिस्प्ले है. डुअल स्पीकर है. MediaTek Helio G95 प्रोसेसर है, और पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर कहलाता है. G95 अब तकरीबन कंपनी दे रही है आपको, A32 में भी नजर आएगा आपको, Realme 8 में भी नजर आएगा, और जितनी भी इस रेंज की फोन यही प्रोसेसर यूज कर रहे हैं. 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है आपको. 5000mAh की बैटरी है इसमें, और अब इसको अनरैप करें. वाओ, ये ब्लू कलर तो बिल्कुल डिफरेंट कलर मुझे लग रहा है. आप देख सकते हैं कि ये शेड जो है इसका अपना, यहाँ पर आपको थोड़ा सिल्वर और ब्लू का शेड नजर आ रहा है. थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर दिया है, बड़ा अच्छा और खूबसूरत कलर लग रहा है मुझे ये, मेरे हाथ में जो फील आ रही है इसकी. और पीछे वैसे ही Note 10 Pro की तरह क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि एक 64MP कैमरा है और एक 8MP अल्ट्रा वाइड है, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ. LED फ्लैश है यहाँ पर. यहाँ पर Redmi की लेबलिंग है, और यहाँ पर कुछ जो है लेबलिंग यहाँ पर भी है, और यहाँ इस साइड से एक वॉल्यूम बटन नजर आ रहा है, और ये पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट भी करता है. और टॉप से जो है, अच्छा इसमें इंफ्रारेड भी दिया है आपके सामने. ये टॉप पे वॉइस कैंसिलेशन और इंफ्रारेड, और एक यहाँ पर स्पीकर है, और फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 3 है. बैक प्लास्टिक है ये मैंने आपको बताया, और ये डॉट AMOLED डॉट डिस्प्ले है. यहाँ से 3.5mm का जैक नजर आता है, और एक माइक है, और एक ये USB 2.0 का टाइप सी जैक है, और ये स्पीकर एक और. सो ये आपके सामने, और यहाँ पर सिम ट्रे है, सिम ट्रे लगी हुई है. सिम ट्रे भी मैं आपको इंजेक्ट करके दिखा दूं. सो पहले ऑन करते हैं और वैसे इसकी तरफ भी चलते हैं, और सिम इंजेक्ट भी आपको मैं करके दिखाता हूँ. तो गाइज, ये जब तक ऑन हो इसकी एक्सेसरीज देख रहे हैं. एक सिम इंजेक्टर टूल दिया है इन्होंने, और ये पेपर वर्क है कुछ जो है. ये एक बुकलेट, ये दो, ये तीन बुकलेट्स दिए हैं इन्होंने. टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा. सो और तीसरा ये अपना जो है, ये अपना आपका सिलिकॉन केस, सिलिकॉन केस आपके सामने ये कंपनी देती है. अच्छा लगता है एक सिलिकॉन केस जो है दे देती है कंपनी. सो मैं आपको ये सिम इंजेक्ट करके दिखा दूं आपको, जो मैंने आपको बताया कि सिम इंजेक्टर कितनी सिम और कितने कार्ड लगते हैं इसमें. वैसे तो मेरे हिसाब से 2 सिम और कार्ड लगेंगे, बट फिर भी एक जो है अपना ये
हाँ गई। सो ये यार यहाँ पर एक वन सेम टू सेम और एक कार्ड, और आप देख रहे हैं कि इसमें एक रेड रबड़ लगा हुआ है। रेड रबड़ जो है ये गैस और अपना वाटर रेजिस्टेंट के लिए लगा हुआ है, ताकि आप पानी में जा रहे हैं तो ये जो है अपना आपको पानी वानी जाने से रोकता है। और ये फोन स्टार्ट हो गया है, और अब हम इसको जो है अपना आगे एक्टिव करते हैं। अच्छा हाँ, अंदर एक और फोन स्टार्ट हो गया, बट मैं चार्जर का बता दूं आपको। इसकी जो चार्जिंग है वो 33 वॉट की चार्जिंग है, मैंने आपको बताया स्टार्ट में, बट इसका चार्जर ब्रिक 27 वॉट का चार्जर दिया है उन्होंने। 33 वॉट का चार्जर नहीं है, चार्जर आपके पास 27 वॉट का उन्होंने दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27 वॉट। अगर मैं ये आपको यहाँ से दिखा दूँ, हेयर इज द मेंशन के अपना 27 वॉट, अगर आपको ये नजर आ जाए। सो दिस इज द चार्जर, और एक जो ऑब्वियसली यूएसबी टू टाइप सी केबल होगी आपके सामने। सो गाइस एक केबल है जो कि अपना यूएसबी टू टाइप सी है, जो कि अच्छा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ऑरेंज कलर दिया हुआ है। ये ऑरेंज कलर बेसिकली इंडिकेट करता है कि दिस इज अ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो इस वजह से ये ऑरेंज कलर जो है इंडिकेट करता है। यहाँ से भी ऑरेंज कलर ये जो है इन्होंने, मैंने आपको दिखाया कि ये रबड़ एक दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा लग रहा है, कंपनी जो है छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा है, और ये ऑडियंस का ख्याल रखा जा रहा है। सो इसको मैं वापस जो है सही से इंजेक्ट करके बंद किया। सो गाइस फोन ऑन हो गया है। ये मैं आपको बता दूं कि इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो यहाँ से थोड़ा बेजल बड़ा नजर आ रहा है मेरे को, यहाँ से भी थोड़े बेजल्स हैं ब्लैक, जो कि ये पूरी स्क्रीन नहीं है। ये 83.5 जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एक डॉट डिस्प्ले डॉट कैमरा है सेंटर में। एक्टिव करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट उर्दू पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तो उर्दू दिया हुआ है इन्होंने, बट हम इंग्लिश हैं, हम इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो इंग्लिश पे जा रहे हैं। सो गाइज दिस इज द फ्रंट लुक, और ये मैं इन्होंने साइड फिंगरप्रिंट दिया है। ये मैं आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट दे रहा हूँ कि फॉरन अनलॉक हो रहा है। और अब अंदर हम सेटिंग्स में जाते हैं, इसका अबाउट देखते हैं। सेटिंग्स में मैं कनेक्टिविटी का आपको बता दूं, ब्लूटूथ 5.1 है, NFC दिया हुआ है इन्होंने, और कनेक्ट और शेयरिंग में NFC वगैरह ये वो सब है इसमें। और दूसरा मैं आपको अब जो है अबाउट फोन बता दूं, इसमें MIUI वर्जन 12.5 दिया है इन्होंने, और नीचे जो है अपना एंड्रॉइड वर्जन 11 है, जो कि 11 अब मोस्ट कॉमनली 11 ही आ रहा है सब में। सो गाइस दिस इज द ऑल अबाउट फोन, 128 GB और 6 GB मैं आपको बता चुका हूं। और अब ये अब हम जा रहे हैं कैमरा की तरफ, इसका कैमरा रिजल्ट कैसा है इसका। ये एक प्रो है और एक वीडियो है, वीडियो आप जो है इसमें बुके इफेक्ट में देख लूंगे, इसमें बुके इफेक्ट है या नहीं है। नहीं, ये सारे फिल्टर्स हैं, बुके इफेक्ट नहीं दिया इन्होंने। और ये आप 720 30 FPS पे जा सकते हैं, 1080 30 FPS पे जा सकते हैं, 1080 60 FPS पे जा सकते हैं, और 4K 30 FPS पे जा सकते हैं। इसमें मैक्रो कैमरा भी है, और ये सारी सेटिंग्स हैं। और मैं आपको इसमें बताऊं क्या है, फोटो जो है सिंपल फोटो है, जो कि आप ये फ्रंट कैमरा का मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट है, और पोर्ट्रेट की मैं आपको रिजल्ट जो है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज अ पोर्ट्रेट, और मोर में जो है आपके सामने ये फ्रंट कैमरा की बात हो रही है। इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट। ये 64 MP बैक कैमरा है, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, पैनोरमा है, डॉक्यूमेंट्स है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, और नाइट है। ठीक है, अब हम आते हैं बैक कैमरा की तरफ। बैक कैमरा की तरफ भी इसके सारे फीचर्स यही होंगे। अब बैक कैमरा की मैं रिजल्ट भी आपको दे दूं, और दूसरा इसका जो है पोर्ट्रेट मोड में आपको दिखा दूं, और मैक्रो कैमरा भी आपको एक 2 MP मैक्रो कैमरा होगा इसका। ये मैक्रो और मैक्रो कैमरा, ये पिन जो है हम ले लेते हैं फोटो, दिस इज द मैक्रो कैमरा, ये मैक्रो कैमरा का रिजल्ट। सो गाइज ये सारा था अपना थोड़ा बहुत ओवरव्यू, और गेमिंग टेस्ट वगैरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज द रेडमी नोट 10S, ये रेडमी नोट 10S है, आप लोग देख लें, बिल्कुल नोट 10 प्रो की तरह दिखेगा। और यहां से भी मैं आपको लुक दिखा दूं, बिल्कुल यहां से आप देख लें, बिल्कुल डुअल स्पीकर्स हैं, और ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूं। सो गाइज सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। हम गिव अवे का भी मैंने आपको दिया है पैटर्न, बट इस वीडियो में कोई गिव अवे का पैटर्न नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। और अगर आपको फोन पसंद भी आ रहा है तो यहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन। हम पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी भी दे रहे हैं, और हमारी वेबसाइट है www.store4u.bk। सो गाइज, अगर कोई कमेंट्स हो कोई आप जरूर दें, मुझे क्रिटिसिज्म बिल्कुल अच्छा लगता है कि कोई मुझे बोलता है कि आपकी लाइट्स में थोड़ा मसला है, आप थोड़ा ये करें या सजेशन देते हैं, मैं बिल्कुल उससे जो है खुशी खुशी हम उस पर वर्क करते हैं और उसको इम्प्रूव, क्योंकि ये सारी चीजें हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज दानिश सुमरो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।